हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। जो हमारा यूनिट 3 है वह है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 को और यूनिट 2 को डिस्कस कर दिया है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं वन बाई वन पूरा डिस्कस करूंगा। जो हमारा इम्पोर्टेंट पहला हमारा टॉपिक है, इसमें बात करेंगे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, पूरे साइकिल के बारे में। फिर बात करेंगे इसके सीओपी के बारे में कि जो हमारी सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होती है इसकी सीओपी कैसे निकलती है और सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, हमारा सिस्टम हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारी कैसे वर्क करती है, या फिर इसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ये दोनों नाम से एक नाम से पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है यूनिट 3 पे वो है लिथियम ब्रोमाइड या फिर LiBr एब्जॉर्प्शन सिस्टम। और जो हमारा फिफ्थ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये दोस्तों हमारे पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर यूनिट 3 में वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। हम यूनिट 3 में ये पांच टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आगे टॉपिक, वह है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके पहले दोस्तों मैंने डिस्कस किया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। सेम एज इट इज हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी वर्क करता है, बट वहां हम क्या यूज करते थे, कंप्रेसर का यूज करते थे। यहां हम कंप्रेसर की जगह एब्जॉर्प्शन का यूज करेंगे। जो हमारा जहां हमारा कंप्रेसर लगा रहता था वो हमारा रिप्लेस होके ये एब्जॉर्बर में कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्बर की जगह कंप्रेसर की जगह हमारा एब्जॉर्बर है, पंप है, रिड्यूसिंग वाल्व है, और हम जनरेटर का यूज करते हैं। किसमें? एब्जॉर्प्शन साइकिल में। ये दोनों हमारे दोस्तों में डिफरेंट होते हैं। इसके दोस्तों कुछ की पॉइंट है, पहले वो मैं आपको बता दूं ताकि जो मैं अब साइकिल को डिस्कस करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, दो प्रकार के हमारे एकत्रित सोल्यूशन बना होता है। एक हमारा NH3 मिलेगा और एक हमारा H2O होता है। जो हम अमोनिया का यूज करते हैं वो एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, और जो हमारा H2O है वो हम एज ए एब्जॉर्बेंट का यूज करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्बेंट का यूज करेंगे। अब देखते हैं हम साइकिल हमारा दोस्तों कैसे चलता है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में, जैसा कि हमारा इवेपरेटर लगा होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। ये हमारा क्या पंप है, ये हमारा जनरेटर है पूरा, ये हमारा रिड्यूसिंग वाल्व है, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, ये हमारे कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वर्क करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसकी साइकिल कैसे चलती है। ये हम इवेपरेटर से स्टार्ट करते हैं। इवेपरेटर का मेन काम क्या होता है, जो हमारी कूलिंग प्रोवाइड करना होता है, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है। कूलिंग प्रोवाइड कैसे करेगा, बाहर से क्या करेगा, ये हीट को लेता है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, लो प्रेशर और टेम्परेचर का हमारा एक तरीके से हमारा चिल्ड लिक्विड आता है। तो हमारा ये यहाँ इवेपरेटर क्या करता है, इवेपरेशन की प्रक्रिया होती है जिससे जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल रहते हैं उसको क्या करता है, लो प्रेशर में वेपर में चेंज कर देता है। जब यहाँ लो प्रेशर वेपर में से चेंज कर देता है, कैसे, बाहर से हीट को लेके। ठीक है, इसलिए क्यू ई मैंने अटैच किया हुआ है, क्यों किया गया, यहाँ हमारा क्या है कूलिंग मिल रहा है हमें। तो यहां से हमें क्या मिलता है, लो प्रेशर NH3 वेपर हमें मिलता है। ठीक है, अमोनिया का वेपर मिलता है। जब ये लो प्रेशर NH3 वेपर हमारा एब्जॉर्बर में जाता है तो यहाँ क्या होता है, वीक सोल्यूशन होता है NH3 और H2O का। जब NH3 और H2O का इसमें का दोनों का वीक सोल्यूशन होता है तो इसमें क्या है, यहाँ एब्जॉर्बर की प्रक्रिया होती है। एब्जॉर्बर की प्रक्रिया क्या होती है, जो हमारा NH3 का वेपर जाता है वहां यहाँ क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करने लगता है। जब एब्जॉर्ब कैसे करेगा, हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसलिए मैंने दिखाया कि क्यूए अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, इसको लाइब्रेट कर रहा है। जब लाइब्रेट करता है कंटिन्यू तो वाटर की जो हमारी क्षमता होती है ये कम होने लगती है। इसलिए कूलिंग के लिए क्या करते हैं, इसको वाटर को इसमें वाटर का यूज करते हैं। तो जो हमारा वीक सोल्यूशन रहता है अमोनिया का, इसमें ऑलरेडी रहता है, वो हमारा स्ट्रांग सोल्यूशन में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, उसको कंटिन्यू हीट क्या कर रहा है, लाइब्रेट कर रहा है। तो मैं यहां में स्ट्रांग सोल्यूशन मिल जाता है। अब स्ट्रांग सोल्यूशन में कहने का मतलब क्या है, हमारा स्ट्रांग और वीक सोल्यूशन कहने का मतलब क्या है, जिससे हमारा कि NH3 है, NH3 और वाटर के पार्टिकल दोनों हैं। अगर हमारा NH3 की मात्रा हमारी ज्यादा है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा कहलाएगा स्ट्रांग सोल्यूशन। ओके, अगर NH3 की मात्रा कम है तो हमारा कहलाएगा वीक सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा पहले क्या था, यह हमारा वीक सोल्यूशन था। फिर ये जब ये एब्जॉर्बर की प्रक्रिया हुई,
एब्जॉर्प्शन हुआ तुम्हारा, क्या हुआ यहाँ हमें सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, यानी अमोनिया की जो मात्रा थी वो ज्यादा हो गई। जब यहाँ अमोनिया वेपर हमारा मिल जाता है तो हम क्या क्या होता है, ये पंप के सारे ऊपर जाता है, ठीक है, पंप के सारे ऊपर गया तो यहां हम क्या करते हैं, बाहर से हीट को प्रोवाइड करते हैं। बाहर से हीट कैसे, जनरेटर हमारा स्टीम है, स्टीम के सारे बाहर से हीट देते हैं। जब भी हम बाहर से हीट देते हैं तो जो भी हमारे पार्टिकल रहते हैं वो क्या होते हैं, पूरे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो वाटर और अमोनिया रहता है वो पूरा क्या हो जाता है इसमें। इसीलिए हम हीट देते हैं कि हमारा जितना भी पार्टिकल है वो क्या करे, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो अमोनिया क्या होती है यहाँ दोस्तों, वाटर में कन्वर्ट हो जाती, अरे अमोनिया हमारी क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ एक तरीके का एनालाइजर लगा होता है, क्या लगा होता है, एनालाइजर लगा होता है। एनालाइजर का वर्क क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ से वेपर पार्टिकल जा रहे हैं उन्हें ही सिर्फ यहाँ से पास करें, यानी एनालाइजर क्या करता है, एनालाइज करता है वाटर के पार्टिकल को और वेपर के पार्टिकल को, यानी वाटर के पार्टिकल उसमें नहीं होने चाहिए। अगर इसके साथ वाटर के पार्टिकल भी जा रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी इफिशियंसी को कम कर देंगे। तो इसलिए ये एनालाइजर क्या करता है, जो भी वेपर के पार्टिकल रहते हैं अमोनिया के उन्हीं को पास करता है, और जो भी सोल्यूशन हमारा बचता है यहाँ, तो यहाँ तो वाटर भी बचेगा, H2O भी हमारा बचेगा, और हमारा क्या है NH3 भी बचेगा। तो यहाँ एक तरीके से हमारा वीक सोल्यूशन होता है, जो हमारा वीक सोल्यूशन हमारा बचता है वो रिड्यूसिंग वाल्व के सारे फिर इस एब्जॉर्बर में आता है, फिर सेम प्रक्रिया होती है और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आगे जाता है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, हाई प्रेशर NH3 वेपर मिल जाता है। जब हमारा यह हाई प्रेशर NH3 वेपर के फॉर्म में, फिर ये क्या होता है, जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर का मेन वर्क क्या है, कंडेंस करना। जब कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ जो वेपर के पार्टिकल रहते हैं वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होने लगते हैं, और यहां से जब हमारा कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी तो हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब बाहर को बाहर निकालता है और यहाँ कूलिंग वाटर हम कंटिन्यूस को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसकी इफिशियंसी को कम ना करे और कंडेंसेशन की प्रक्रिया हमारी अच्छी हो। तो यहां से हमें क्या होता है, NH3 लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाता है। फिर क्या करता है, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व रहता है, जो NH3 हमारे लिक्विड रहता है अभी हाई प्रेशर में एक तरीके से है, तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, जब यहां से एक्सपेंशन वाल्व से पास होती है NH3 हमारा लिक्विड, तो उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, दोनों लो हो जाता है और हमें चिल्ड अमोनिया हमें मिलता है। और फिर चिल्ड अमोनिया क्या होता है, एवेपरेटर में जाता है, और सेम साइकिल हमारी दोस्तों इस तरीके से वर्क करती है। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट साइकिल वर्क करता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर। थैंक यू, वह है COP ऑफ ए सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी जो हमारा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है या फिर आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसके हम COP को कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों उसकी COP क्या होती है, COP का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है TE/TC-TE एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा होता है TG-TC/TG। ये फॉर्मूला दोस्तों कहां से निकल के आया है और इसके जो हमारा TE क्या है, TC क्या है, सारे जो हमारे कंपोनेंट है उसके नाम क्या है, सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो COP है कहां से फाइंड हुआ। अगर आपने दोस्तों सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पहले वीडियो नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो वो दोस्तों वो जरूर देख लें ताकि ये जो टर्म है आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको एक बार रिमेम्बर करा देता हूं कि जिससे आपको याद हो, जब मैंने ये साइकिल बताया था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो मैंने कुछ पॉइंट यहां से ऐड किए थे। अब देखो अगर मैं बात करूं हमें क्या चाहिए, COP चाहिए। तुम्हारा COP का फॉर्मूला क्या होता है, होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्कडन, यही होता हमारा फॉर्मूला होता है वर्कडन। ओके, तो हमें पता करना चाहिए कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है और वर्कडन कितना है। तो जब मैंने साइकिल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हमारा वर्कडन कहाँ मिलता है, इवेपरेटर पे, ये इवेपरेटर पे हमारा वर्कडन मिल रहा है। तो हमारा इसको हम कह सकते हैं हमारा क्या हो गया, QE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और हमें वर्कडन चाहिए। वर्कडन हमारा क्या कर रहा है, एक तुम्हारा पंप कर रहा है, ये पंप हमें वर्क दे रहा है, और यहाँ हमें वर्क करना पड़ रहा है जनरेटर के ऊपर। बट हम इस पंप के वर्क को क्या करें, निगलेक्ट करेंगे, ओनली कंसिडर करेंगे जनरेटर को। तो यहाँ कितना हमारा जो वर्कडन मिल रहा है, QG। अब हमें फॉर्मूला किस टर्म में चाहिए, इस टर्म में चाहिए। हमारा ये तो हो गया सिंपल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्कडन, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया और वर्कडन होता है हमारा QG। अब वर्कडन को हमें क्या करना है, एक एक करके डिस्क्राइब करना है। देखो ये जो मैंने लिखा है इसके साथ मैं इसको दोनों को कॉम्बिनेशन करके बताऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। मैंने लिखा है QG, तो हमारा QG क्या है, हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेशन इन द जनरेटर। हम यहां क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, स्टीम लगा हुआ हीट दे रहे हैं,
इसलिए हमारा क्या है, क्यूजी है, ठीक है। अब हमारा क्यूसी, हीट डिस्चार्ज हो रही है कंडेंसर में और एब्जॉर्बर में। यहां हम क्या कर रहे हैं, हीट को डिस्चार्ज कर रहे थे, देखो हीट डिस्चार्ज कर रहे थे ना, कंडेंसर में हमारी क्या होगी, हीट डिस्चार्ज होगी तभी तुम्हारा कंडेंसर प्रक्रिया होगी। इसी तरह हमारा क्या है, एब्जॉर्बर में भी है, ठीक है। हम हीट को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्यूसी को डिनोट किया। अब यहां क्या है, एब्जॉर्ब्ड हीट इवेपोरेटर क्यूई। यहां इवेपोरेटर क्या करता था, हीट को एब्जॉर्ब करता था। देखो दोस्तों, मैं अभी साइकिल देख के बता रहा हूं, ये कंप्लीट साइकिल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया क्यूई इवेपोरेटर के लिए। अब हीट एडेड ड्यू टू पंप, क्यूपी हमारा क्या है, हीट एड हो रही है जो हमारी पंप पे, वो हमने क्यूपी से डिनोट किया हुआ है, ओके। अब आते हैं हम टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या है, टीजी, जनरेटर को जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यहां हमारी हीटअप होती है तभी तो हमारा वेपर फॉर्म में चेंज होता है अमोनिया, तो हम जो हीटअप देते हैं टीजी, जिसे डिनोट हमने किया है उसको टीजी, क्योंकि क्या है, जनरेटर का टेम्परेचर है। अब टीसी क्या है, कंडेंसर के लिए है एंड ऑब्जर्वर के लिए। यहां क्या है हमारा, हमने डिनोट किया हुआ टीसी इसको ऑब्जर्वर के लिए और कंडेंसर के लिए, कंडेंसर के लिए और ऑब्जर्वर के लिए टीसी। अब हमारा टी क्या है, टेम्परेचर क्या कर, इवेपोरेट कर रहा था, यहां से हमारा क्या हीटअप ले रहा था, तो हमारा यह क्या है, टीई है जो इवेपोरेटर के लिए, ओके। ये आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या पॉइंट को किस लिए शो किया हुआ है, ओके। अब देखते हैं इसके सीओपी के बारे में। अब देखो सीओपी अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक की किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहने का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको ब्रीफली थोड़ा समझाने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास तीन पॉकेट है, ये एक ऊपर का पॉकेट, दो नीचे का पॉकेट, अगर टोटल मिला के मैंने मान लिया इसमें सौ रुपए हैं, ठीक है। अब क्या है, यानी इस टोटल में क्या है, सौ रुपए है। अगर हम यहां से 20 रुपए निकाल रहे हैं और यहां में फिर 20 रुपए आ जाए, या फिर हम यहां से 10 रुपए निकाल रहे हैं तो यहां हमें 5 मिल जाए और यहां से हमें 5 मिल जाए, यानी 100 की जो क्वांटिटी है वो बराबर रहे, तो इस तरीके से हमारा जो भी प्रोसेस कहलाता है वो हमारा था ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। यानी एक मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह यहां भी होता है ऊर्जा संरक्षण का मतलब। यहां पंप हमारा जो है क्यूसी क्या है हमारा, हीट डिस्चार्ज थ्रू द कंडेंसर के लिए क्यूसी, वो हमारा क्या है, क्यूजी और प्लस क्यूई के बराबर है, यानी जनरेटर पे और हमारा जो इवेपोरेटर है वो दोनों के बराबर है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो फर्स्ट लॉ को मैंने यहां यूज किया हुआ है, ठीक है, वही मैंने एग्जांपल बताया। यहां क्या है, क्यूसी, देखो इवेपोरेटर क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है यहां से, ठीक है, इवेपोरेट कर रहा है। अब इवेपोरेट किया, बाहर से लिया, अब हमें यहां क्या है, क्यूजी अमाउंट हम यहां दे रहे हैं, ठीक है, और यहां क्यूई जो हमारा इवेपोरेटर है कहां गया, क्यूई इवेपोरेटर के लिए, ये हमारा इवेपोरेटर के लिए है, ठीक है। और यहां से हम क्या हीट निकाल रहे थे ना, दोनों के लिए हीट निकाल रहे हैं, और यहां हमें हीट क्या है, मिल रहा है, तो एक तरीके से हमारा हीट क्या है, बैलेंस है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं क्यूसी इक्वल टू क्यूजी प्लस क्यूई। अब देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, अब ये क्या है, एक तरीके से हमारा ये प्रोसेस है ना पूरा, जो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, वो एक तरीके का हमारा रिवर्सिबल है। जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमारी जो इनिशियल एंट्रोपी होगी, जो हमारी इनिशियल एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, फाइनल एंट्रोपी के दोनों बराबर होगी, कांस्टेंट होगी, यानी हम मान सकते हैं कि एंट्रोपी विल बी द कांस्टेंट। तो एंट्रोपी हमारा क्या होता है, क्यूसी अपॉन टी, हमारा एंट्रोपी क्या होता है, एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तुम्हारा एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी। तो हमने इसको एंट्रोपी में चेंज करने के लिए हमें क्या किया, हमने क्यूसी अपॉन टी सी कर दिया, यानी टेम्परेचर में सबमें डिवाइड कर दिया, यहां भी टेम्परेचर से डिवाइड किया, यहां भी टेम्परेचर से डिवाइड किया। अब देखो क्या है, जो हमारा क्यूसी है वो किसके बराबर है, क्यूजी प्लस क्यूई की, तो क्यूजी प्लस क्यूई। अब आपको QG क्या है, QE क्या है, वो आपको लिखा होगा, आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां हमारा QG हो गया अपान TG और QE अपान TE, ओके। अब देखो यहां से मैं क्या QE अपान TC एक एक टर्म को एक एक तरफ कर लेते हैं जो सेम है। अब QE यहां मैं QE अपान TE मिल रहा है, मैंने इसको यहां से माइनस कर लिया, ये QG अपान TG, यहां का प्लस का साइन इधर से माइनस आया, तो QG अपान TC हो गया। अब यहां से हमने QE को कॉमन किया, तो यहां क्या बचेगा, ये TE TC और ये TC into TE, ओके। इसी तरीके से QG का मान लिया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, देखो इसको यहां से हमने QG की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, QG क्या चाहिए, वर्कडन हमारा कितना फाइंड हुआ है। तो वर्कडन को फाइंड करने के लिए देखो QG इक्वल टू क्या हुआ, QE
टी माइनस टी सी अपन टी सी इंटू टी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हमारा हो गया टी जी इंटू टी सी अपन टी सी माइनस टी जी। ओके, अब यहाँ देखो टी सी और टी सी हमारे दोनों में मिल रहा है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब क्यू इक्वल टू में क्या मिल गया, टी सी माइनस टी अपन टी ई मिल गया, और यहाँ हो गया हमारा टी जी अपन टी जी माइनस टी सी। ठीक है, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मैंने क्या बताया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा सीओपी का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क डन। तो मैंने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या इवेपरेटर में प्राप्त हो रहा था, तो क्यू ई अपन, और वर्क डन हमारा क्या देना पड़ रहा था हमारे जनरेटर पे, तो क्यू जी। अब क्यू जी की वैल्यू में निकालनी थी, क्यू जी की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई। अब क्यू जी की वैल्यू मिल गई, क्यू ई अपन ये वाला फॉर्मूला हमारा पूरा टी सी माइनस टी ई अपन टी, टी जी अपन टी जी माइनस टी सी। तो इस तरीके से हमारा जो सीओपी है क्यूवी क्यूवी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा, तो टी अपन टी सी माइनस टी और टी जी माइनस टी सी अपन टी जी। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट फाइंड हो गया कि जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका सीओपी क्या होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्रिटिकल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा कैसा वर्क करता है, या फिर उसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल अमोनिया वाटर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है सिंपल वाला, वो कैसे वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूं। जो दोस्तों इसमें हम अमोनिया का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अमोनिया का यूज करेंगे, वो हमारा अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं यहाँ, और हमारा जो वाटर होता है जो हमारा H2O होता है वो एड ए एब्जॉर्बेंट यूज होता है। मतलब क्या है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हमारा प्रोड्यूस करेगा वो हमारा क्या होगा, अमोनिया होगी, और जो इसको ठंडा करेगा एक तरीके से एब्जॉर्ब करेगा वो हमारा होता है H2O। ठीक है, अब देखो जो हमारा H2O होता है इसका जो H2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, और जो अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इसकी अपेक्षा हाई होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करूं सपोज एक टेम्परेचर में कंसीडर करूं 0°C, तो क्या होगा ये फ्रीज हो जाएगा, बट अमोनिया क्या होता है नियर अबाउट -34°C पर फ्रीज होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। और जो दो वर्ड और आएंगे, एक हमारा आएगा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, एक आता है हमारा वीक सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हम उसमें कहेंगे जिसमें हमारा NH3 की मात्रा परसेंटेज ऑफ क्या होगा, ज्यादा होगा, वो हमारा क्या होता है, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा। और वीक सोल्यूशन क्या होगा, अगर हमारी NH3 की मात्रा, अमोनिया की मात्रा कम है परसेंटेज, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वीक सोल्यूशन कहलाएगा। अब देखो जो हमारा हम सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें क्या था, हमारा ये हमारे रेक्टिफायर है और हीट एक्सचेंजर है, ये हमारे यूज नहीं होते थे। बट हमारा जो प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे तो हम इसमें हमारा जो मेन कंपोनेंट इसमें आता है वो हमारे एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है, और एक हीट एक्सचेंजर हमारा यहाँ लगा होता है। एक हीट एक्सचेंजर हमारा क्या, कंडेंसर के बीच में और इवेपरेटर के बीच में लगा हुआ है, और ये हमारा हीट एक्सचेंजर है वो रेक्टिफायर कह सकते हैं हम, और एब्जॉर्बर के बीच में लगा हुआ है, या फिर जनरेटर के बीच में या एब्जॉर्बर के बीच में लगा हुआ है। तो अब देखते हैं इसकी हमारी दोस्तों जो कंप्लीट साइकिल है वो कैसे वर्क करती है। इसको हम इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हीट एक्सचेंजर का दोस्तों जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कैसे प्रोसेस होता है। देखो क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्बर रहता है क्या करेगा, एब्जॉर्बर की कंडीशन क्या होती है, एब्जॉर्ब करने की कंडीशन होती है। जब यहां से जो हमारा हीट एक्सचेंजर है यहां से हमारा क्या प्राप्त होता है, हमें लो प्रेशर अमोनिया वेपर हमें आता है। क्या आता है हमारा, लो प्रेशर NH3 हमें मिलता है यहां से। ठीक है, NH3 किसके, वेपर के फॉर्म में। जब वेपर के फॉर्म में आता है तो यहां हमारे वाटर के पार्टिकल होते हैं, क्या होता है, वाटर भरा होता है, जो हमारा क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करता है। तो जब हमारा अमोनिया की मात्रा यहां मिल जाती है तो पहले हमारा क्या रहता है, ये वीक सोल्यूशन रहता है। जब हमारी एब्जॉर्बर की प्रक्रिया होती है तो यहां वाटर और अमोनिया क्या हो जाता है, मिल जाता है, और हमें ये कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, हमारा कूलिंग वाटर जाता है और हमारी जितनी भी हीट होती है उसको क्या करता है, वाटर के रूप में, गर्म वाटर के रूप में, हॉट वाटर के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से हम देखें जो हमारा एब्जॉर्बर है क्या करता है, हीट को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहां एक तरीके का हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन से हमारा कहने का मतलब क्या है, जिससे मैंने बताया NH3 की मात्रा हमारी क्या हो जाती है, परसेंटेज हमारा ज्यादा हो जाता है।
जब हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मिल जाता है तो पंप के सहारे ये क्या करता है, प्रेशर को राइज करता है और ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। अब यहाँ हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है, ये क्या है, अभी इसका यहां से हीट लेता है। हीट अब कैसे लेता है, देखो दोस्तों भाई बताता हूं, ठीक है। हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है, हीट को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, ठीक है। हीट को अब एक्सचेंज कैसे करता है वो देखते हैं। क्या होता है, ये पंप इसका प्रेशर क्या करता है, राइज कर देता है और हमारे यहाँ टेम्परेचर में भी हमें कुछ मिल जाता है, तो यहां से ये टेम्परेचर कुछ हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। जब यहां से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये सीधे ऐसे कनेक्ट होता है किसके पास, एनालाइजर के पास। एनालाइजर अब यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, अब ये पूरा सिस्टम हमारा जो सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में मिल रहा है वो हमारा किस में जाता है, जनरेटर में जाता है। जब ये जनरेटर में जाता है तो इसको क्या करता है, हीटअप करता है। अब यहाँ क्या है, वाटर भी हमारे पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल भी है और अमोनिया के भी पार्टिकल है। क्या क्या हमारा है, वाटर है और अमोनिया है, ठीक है। अब जब हम वाटर और अमोनिया, अब जो अमोनिया का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कम, क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द वाटर। इसका मतलब क्या है, जब यहां हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं जनरेटर के द्वारा, जो हमारी हीटिंग कॉइल क्या है, हीटिंग प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों जो अमोनिया के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं, और वाटर के पार्टिकल भी कुछ चेंज होते हैं कुछ नहीं चेंज होते, क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट तो कम है तो जल्दी हीटअप हो जाता है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, बट वाटर में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, यहां दोनों की कंडीशन आ जाती है। अब एनालाइजर का वर्क क्या होता है, एनालाइजर हमारा ये वर्क करता है कि जो भी हमारे वाटर पार्टिकल रहते हैं और अमोनिया के पार्टिकल रहते हैं दोनों को अलग करता है। इसमें क्या करें, वाटर के पार्टिकल ना जाएं, ओनली क्या करें, वेपर के फॉर्म, वेपर का जो पार्टिकल है हमारा, हमारा अमोनिया है, वही यहां से जाए। इसलिए यहां एनालाइजर का यूज करता है जो दोस्तों को एनालाइज करता है कि इसमें वाटर के पार्टिकल ना जाए। तो क्या हुआ, जो अमोनिया हमारी वेपर फॉर्म में रही वो हमारी यहां से पास होती है, ठीक है। जब यहां से पास होती है तो यहां में सोल्यूशन क्या बच गया, एक तरीके से हमारा वीक सोल्यूशन बच गया, क्योंकि हमारी अमोनिया क्या हो, निकल गई, कुछ ही अमोनिया बची और उसमें वाटर के पार्टिकल बचे। तो क्या होता है, वो यहां से निकलता है। अब देखो यहां उसका टेम्परेचर क्या है, जनरेटर की वजह से हाई है। जब टेम्परेचर यहां हाई है तो यहां भी टेम्परेचर हाई है। जो टेम्परेचर कैसा हमारा कन्वर्ट ट्रांसफर होता है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर क्या था, कम था, तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, इसको हीट क्या को प्रोवाइड करेगा, यही होगा। तो यहां से हीट क्या करता है, यह लेता है। जब यहां से हीट लेता है तो हीट की हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर रिड्यूसिंग वाल्व के तारे जो हमारा वीक सोल्यूशन रहता है अगेन हमारा एब्जॉर्बर में आ जाता है। तो ये कंडीशन दोस्तों यहाँ की साइकिल इस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद क्या होता है, जब ये रेक्टिफायर में जब लगा होता है क्या करता है कि जो इसके वेपर के फॉर्म में आते हैं इसमें कुछ भी पार्टिकल, एक भी पार्टिकल हमारे क्या है, वाटर के ना है। नहीं तो क्या होगा, देखो अगर हम बात करें, अगर हम वाटर के पार्टिकल रेक्टिफायर नहीं लगाते हैं, एनालाइजर ने हमारा कुछ तो एनालाइज कर लिया, बट क्या है, अगर ये रेक्टिफायर हमारा नहीं लगा होता है तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया था कि जो अमोनिया है हमारी फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होता है, कम होता है, यानी कहने का मतलब ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हमारी बहुत देर में होती है, बट वाटर हमारा क्या जल्दी फ्रीज रहेगा। तो यहाँ जब हमारा कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, यहाँ से क्या है, वाटर इन होता है और आउट होता है, तो यहाँ क्या होगा, अगर वाटर भी हमारा यहाँ से कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी, कंडेंस होगा, तो क्या होगा, जो हमारे वाटर है वो भी क्या हो जाएंगे, जम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या होती है, एक तरीके से हमारी पाइपलाइन बनी होती है, तो वाटर हमारे जम जाएंगे तो हमारी वाटर जो हमारी क्वाइल है उसको क्या करेंगे, चोक कर देंगे, तो ये हमारा हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ रेक्टिफायर को, जो रेक्टिफायर क्या है, यहां से ओनली वेपर के जो हमारा अमोनिया वेपर होता है उसको ही सिर्फ यहां से क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और जो भी कुछ पार्टिकल बचते हैं उसको एनालाइजर फिर से भेज देता है और हमारा सोल्यूशन ऐसे ही है, वर्क करता है, ठीक है। तो यहां फिर हमारा आता है कंडेंसर में, कंडेंसर में हमारी क्या है, ओनली वेपर के फॉर्म में रहती है, ठीक है। जब ये वेपर फॉर्म में रहती है तो हमारा यहाँ क्या है, अभी टेम्परेचर हाई रहता है और क्या है, वेपर के फॉर्म में। जब यहाँ कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है तो हमारा हीटअप ये क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड होता है, और ये कंडेंसेशन इसकी प्रक्रिया होती है, तो वेपर हमारे क्या है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। वेपर हमारा कैसा है, अमोना, यहां से हमें क्या मिलता है, NH3 लिक्विड मिलता है, क्योंकि यहां हमारी क्या है, कंडेंस हो जाती है जो भी हमारी वेपर होती है। तो यहां जब हमें क्या मिलता है, यहां NH3 लिक्विड हमें यहां से मिल जाता है। अब ये हमारा लगा होता है रिसीवर, जो क्या करता है, NH3 लिक्विड को क्या करता है, रिसीव करता है। अब रिसीवर के बाद ये हमारा जाता है हीट एक्सचेंजर पे। अब देखो हीट एक्सचेंजर पे गया तो इसका फॉर्म तो चेंज हो जाता है, बट क्या है, तो जब ये हीट एक्सचेंजर से प्राप्त होता है, जैसा कि हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर जैसा वर्क करता था वैसे हमारा सेकेंड हीट एक्सचेंजर भी वर्क करता है। बट देखो क्या होता है, जब ये अभी क्या है, NH3 हमारी लिक्विड है, ठीक है, इसका हमारा टेम्परेचर अभी
है कुछ भाई, टेम्परेचर भी है। तो क्या होता है, इसको हम और कूलिंग करने के लिए यहां से हीट क्या हो जाती है ना, ट्रांसफर हो जाती है, निकल जाती है। अब हीट कैसे निकलती है देखो दोस्तों, देखेंगे। अब क्या हुआ, ये हीट एक्सचेंजर यहां से पास हुआ, इसका प्रेशर और टेम्परेचर और लो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन वाल्व से पास कराते हैं। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, इसका प्रेशर को टेम्परेचर को क्या कर देता है, अगेन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस कर देता है। फिर हमारी इवेपरेटर में जाती है। इवेपरेटर हमें कहां लगा होता है, जहां हमें चाहिए कूलिंग। अब देखो दोस्तों, जो हमारा इवेपरेटर कहां लगा होता है, जहां हमें कूलिंग चाहिए, तो यहां से क्या होता है, हमारा जो हीट है ये लेता है और हमारा जो लिक्विड अमोनिया रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो क्या करता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखो यहां का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, यहां से अब क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, लो है, बस फेज बस चेंज है। अब ये क्या करेगा, ये हीट को ना यहां से ले लेगा, हीट को यहां से मतलब को निकाल देगा। जब यहां से हीट को निकाल देगा तो यहां से हमें क्या है, कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा। हीट एक्सचेंजर का यही वर्क होता है। फिर ये क्या करता है, जब हमें लो प्रेशर वेपर एनएसटीएम मिल जाती है वेपर फॉर्म में, तो ये क्या करता है, फिर एब्जॉर्बर में जाता है और हमारी पूरी साइकिल, हमारी इस तरीके से हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है और हमारी पूरी साइकिल इस तरीके से रन करती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में कि हमारा लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, इसे या फिर LIBR भी कहते हैं, LIBR एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो दोस्तों इसमें हम वाटर का यूज करेंगे और लिथियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे। जो हमारा वाटर होगा वो एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज करेंगे और हमारा जो लिथियम ब्रोमाइड होगा उसे एज ए एब्जॉर्बेंट हम यूज करेंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो सेल होती हैं। जो दो सेल होती हैं, एक हमारी हाई प्रेशर सेल होती है, एक हमारी क्या होती है, लो प्रेशर वेसल सेल होती है। तो इसमें क्या होता है, एक हमारी सेल में जो हाई प्रेशर वेसल सेल होती है उसमें हमारे दो टाइप कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा कंडेंसर होता है, एक हमारा जनरेटर होता है। तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ये हमारा कंडेंसर को शो कर रहा है, इसमें एक तरीके की लेयर बनी होती है, तो ये हमारा शो करता है हमारा कंडेंसर को, और ये हमारा जो पार्ट है पूरा, यहाँ हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा जनरेटर का। तो इस तरीके से यह बना होता है। और जो हमारा लो प्रेशर वेसल सेल होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है इवेपरेटर, एक हमारा होता है एब्जॉर्बर। तो ये दोस्तों पॉइंट है, कुछ आपको याद रखने हैं। अब देखते हम बात करते हैं कि हमारा जो साइकिल है कैसे वर्क करता है लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। तो देखो क्या होता है, ये हमारा एब्जॉर्बर है। तो एब्जॉर्बर में हमारा क्या है, जो लिथियम ब्रोमाइड है और वाटर का लो प्रेशर का हमारा जो मिक्सचर है वो यहां होता है। अभी लो प्रेशर का वैसा LIBR H2O को मिक्सर कैसे आता है वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा एब्जॉर्बर में क्या होता है, हमारा LIBR प्लस वाटर हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्बर है यहां से कनेक्ट होके ये पंप के सहारे हीट एक्सचेंजर से पास होता है और जाता है जनरेटर में। अब हीट एक्सचेंजर है, अब हीट एक्सचेंजर में क्या है, यहां इसका प्रेशर लो है, ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, इसका प्रेशर अभी और लो हो जाता है, ठीक है, अब ये लो है। फिर ये क्या होता है, ये जनरेटर में जाता है। जब ये जनरेटर में जाता है तो यहां जनरेटर में क्या होगा, इसको स्टीम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड का अभी वीक सोल्यूशन से हम क्या स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन तरीके से बनाते हैं, तो यहां से क्या होता है, हमारा हीट जनरेट होती है। जब यहां हीट जनरेट होती है जनरेटर में, तो क्या है, वाटर के पार्टिकल भी हैं और लिथियम ब्रोमाइड के पार्टिकल हैं। जो वाटर के पार्टिकल हैं वो वेपराइज हो जाते हैं और लिथियम ब्रोमाइड के पार्टिकल हैवी होते हैं, उससे एक तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, नीचे डाउन हो जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ परत होती है जो क्या करती है, सिर्फ वेपर को यहां से जाने देती है। जब हमारा LIBR दोनों हीटअप होते हैं तो क्या होता है, स्टीम यहाँ प्रोड्यूस होती है, तुम्हारा जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर हमारे एज ए वेपर फॉर्म में आ जाते हैं और हमारा ये कंडेंसर में पहुंच जाते हैं और हमारा जो LIBR का सोल्यूशन बचता है ओनली। और अब कैसा सोल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा। अब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें LIBR की जो हमारा परसेंटेज है वो क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा। अगर वीक सोल्यूशन हम किसे कहेंगे, जैसे LIBR की परसेंटेज हमारी कम हो गई तो हमसे क्या कहेंगे, वीक सोल्यूशन कहेंगे। तो हमारा क्या है, यहां से हमें स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यहां से मिल जाता है और हमारा जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, अब ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्या है, इसमें हीटअप क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये जनरेटर से भी हीट होकर निकला हुआ है, इसमें हीटअप ज्यादा है। अभी हीट रहता है तो क्या करता है, हीट को अपने क्या करता है, हीट एक्सचेंज कर देता है। यहां से हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होगी तो ये अपनी हीट कुछ इसको दे देता है, जिससे क्या करता है, दोनों मेंटेन रहते हैं। अब फिर ये हमारा जो LIBR का सोल्यूशन है, ये एक्सपेंशन वाल्व के सहारे इसका प्रेशर
और टेम्परेचर एक तरीके से दोनों कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं। और जो एक्सपेंशन वाल्व इसके एक तरीके से हम पाइप में छेद टाइप में बना देते हैं कि जो ये इसका एक तरीके छिड़काव कराते हैं LIBR में, और हमारा ये कूलिंग वाटर लगा होता है जो इस पूरे सोल्यूशन को क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें यहाँ से फिर से LIBR का और वाटर का वीक सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहां से हमने बात किया था कि यहाँ क्या है, वेपर की कंडीशन होती है। अब जब ये वाटर के वेपर यहाँ जाते हैं, अब देखो जब यहाँ वाटर के वेपर जाते हैं तो हमारा यहाँ क्या है, कंडेंसर है, तो यहाँ क्या है, कंडेंसर की प्रक्रिया होगी। जब यहाँ कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, जो हमारे वेपर है, हमारे जो वाटर के वेपर है वो क्या हो जाते हैं, हाई प्रेशर में तरीके से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी। यहां हमें क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेंट मिलेगा, एक तरीके से रेफ्रिजरेंट हमारा वाटर यहाँ कन्वर्ट होगा। तो हमारे क्या है, यहाँ जो हमारा कंडेंसर क्या करता है, जो हमारे वेपर फॉर्म रहते हैं उनको क्या करता है, लिक्विड में चेंज कर देता है। अब ये हमारे वेपर में हमें मिल गए, और जो भी हमें कंडेंसर में सर्कुलेट करना था वो हमारा कंडेंसर में हाई प्रेशर से हमें वेपर मिल गया, हमें चाहिए क्या, वेपर का। तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, फिर वाटर के लिक्विड फॉर्मेशन में जो चेंज होता है वो अगेन हमारा क्या करता है, इवेपरेटर में जाता है। और इसका क्या है, ये वाटर का है, लिक्विड हमें क्या, यहाँ सिर्फ वाटर मिल रहा है और हमारा LIBR का यहाँ भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला था, वाटर मिला था। अब यहाँ से हमारी एक्सपेंशन वाल्व लगी है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करती है, इसके प्रेशर को और टेम्परेचर को क्या कर देती है, अगेन और भी कम कर देती है। अब ये जाता है इवेपरेटर में, इवेपरेटर में क्या है, इवेपरेशन की प्रक्रिया होती है। जब इवेपरेशन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ क्या, एक तरीके हमें क्या मिलता है, यहाँ कूलिंग इफेक्ट मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और हमारा जो वाटर वो क्या हो जाएगा, और शील्ड हो जाएगा, क्योंकि क्या, इवेपरेटर होगा, इवेपरेट करेगा, जो हमारे वाटर पार्टिकल है उनको क्या करता है, अगेन चेंज कर देता है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी प्रक्रिया होती है, और ये हमें यहाँ से चिल्ड वाटर मिल जाता है, जिसे हम चिल्ड वाटर कहते हैं, या फिर रेफ्रिजरेंट हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट साइकिल चलती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लिथियम ब्रोमाइड हमारा जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है कैसे वर्क करता है। अगर आपको दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। करेंगे इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा जो इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है हमारा कैसे वर्क करता है। इसे एक नाम से हम और जानते हैं जिसे हम कहते हैं थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम तीन तरीके का फ्लूइड का यूज करते हैं। एक हम यूज करेंगे इसमें अमोनिया का, एक यूज करेंगे हाइड्रोजन का, एक यूज करेंगे वाटर का। अब देखते हैं तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो हमारा अमोनिया है इसे हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, और जो हमारा H2O है इसे एज एम सॉल्वेंट यूज करेंगे, और हमारा जो हाइड्रोजन गैस है उससे इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसको क्या है, हल्की होती है हमारी और इजिली हमें क्या है, वाटर में सॉल्वेंट हो जाती है, तो इसलिए हम ये हम क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, इसलिए हम वाटर अरे हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ये तो ये हो गई तीनों के बारे में कि किस लिए हम यूज करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन है और इसकी साइकिल कैसे चलती है। इसमें क्या होता है, हमारा जनरेटर होता है, ये हमारा वाटर सेपरेटर है, और ये हमारा कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, और ये क्या है, एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये हमारे कुछ मेन कंपोनेंट है। अब देखो दोस्तों कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारा जनरेटर से मैं स्टार्ट करता हूं। ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर में क्या रहता है, अमोनिया के और वाटर का दोनों का सोल्यूशन रहता है। अब यहां से क्या है, जनरेटर क्या करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, स्टीम एक तरीके की हमारी क्वाइल होगी, क्या हीटअप होगा। जब ये हीटअप होगा तो अमोनिया और वाटर है दोनों है, अब क्या होगा, यहाँ का जो अमोनिया और वाटर का सोल्यूशन है यहाँ से क्या होगा, वेपर फॉर्म में चेंज होगा, तो यहाँ से अमोनिया वेपर प्लस H2O हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से जाता है। अभी जब जाता है तो ये वाटर सेपरेटर में जाता है। वाटर सेपरेटर क्या करेगा, वाटर के पार्टिकल को और उसके वेपर की कंडीशन को क्या करेगा, दोनों को सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा, ताकि हमारा कंडेंसर में वाटर के पार्टिकल ना जाए, ओनली क्या जाए, वेपर जाए, नहीं तो क्या करेगा, इसको जाम कर देगा, कंडेंस कर देगा, क्योंकि वाटर हमारा क्या जल्दी फ्रीजिंग हो जाता है अपेक्षा NH3 के, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करता है, वाटर के पार्टिकल को सेपरेट कर देता है। अब यहाँ क्या है, ऊपर हमें क्या मिल गया, वेपर मिल गया, और नीचे हमारा क्या, वाटर के पार्टिकल हैं और कुछ अमोनिया के भी पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये यहां से ये जो NH3 के पार्ट बनते हैं इन H2O में, वो क्या होता है, एब्जॉर्बर में चला जाता है, ठीक है। अब इसको यही रोक देते हैं, अभी यहां से बात करते हैं फिर।
अब क्या है, यहां से वेपर के पार्टिकल हमें मिल गए, तो अमोनिया का जो वेपर होता है वो हमारा किस में जाता है, कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर के क्या हो, यहाँ कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी और हम एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए एक्स्ट्रा क्या करेंगे, वाटर को कूल करेंगे, चिल्ड करेंगे और यहां से जाएगा गर्म वाटर निकल जाएगा। यानी क्या, यहाँ क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी और जो हमारा वेपर रहेगा वो अगेन क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होगा, ये इवेपरेटर में जाएगा। इवेपरेटर में हमें क्या मिलती है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो यहां हमें क्या करेंगे, जो हमारा लिक्विड जाता है यहां से इवेपरेटर में, यहां क्या इवेपरेशन की प्रक्रिया होती, बाहर से हीटअप को क्या करेगा, लेगा। ठीक है, तो देखो, तो एक तरीके से जो यहां का हमारा प्रोसेस है ये क्या होता है, इसमें NH3 प्लस H2O गैस दोनों होती है, क्योंकि NH3 हमारी है और H2O है। कैसे, देखो यहां से जो हमारी H2O गैस रहती है ना एब्जॉर्बर में, यहां क्या है, यहां H2O भी रहती है, NH3 भी रहती है और हमारा हाइड्रोजन गैस भी रहती है। अब हाइड्रोजन गैस हल्की है तो हाइड्रोजन गैस क्या है, ऊपर रहेगी, ऊपर रहेगी, तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से एब्जॉर्बर में जाती है इवेपरेटर में, और इवेपरेटर में इसलिए हम भेजते हैं इसको क्योंकि इंक्रीज करती है इवेपरेशन के रेट ऑफ इवेपरेशन को क्या करती है, इंक्रीज कर देता है हमारा H2O गैस और इजिली क्या है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। तो क्या होता है, इवेपरेटर पे जाता है, तो यहां से हमें लिक्विड मिल गया और H2O गैस भी मिक्सअप हो गई। ये क्या करते हैं, हम आगे यहां ट्रांसफर करते हैं और इसको इवेपरेशन की प्रक्रिया हमारी अच्छी, कूलिंग इफेक्ट अच्छा हो, इसलिए हम H2O गैस को कंटिन्यू यहां भेजते हैं। अब ये यहां से आया, अब ये क्या है, NH3 भी आता है इन H2O पे, तो यहां हमें क्या मिल गया, H2O भी मिल गया, NH3 मिल गया और H2O मिल गया। अब क्या है, NH3 इन H2O, H2O में जो हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यहां से बचता है, जो हमारा NH3 की मात्रा यानी ज्यादा है पूरे सोल्यूशन में, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बचता है उसे हम क्या करते हैं, फिर जनरेटर में भेजते हैं, जनरेटर क्या फिर स्टीम प्रोड्यूस करता है और इस तरीके से हमारी पूरी साइकिल वर्क करती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है कैसे वर्क करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।